नमस्कार, बीएनएन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। गरीब मजदूर किसान का कर्मचारी हड़ताल पर विरोध कर मटके फोड़े। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगभग आधा महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जो पूरे मध्य प्रदेश में अपने मुख्यालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं, जहां जनपद पंचायत परसवाड़ा के मुख्य गेट के सामने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगभग 17 संगठन के अधिकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जहां जनपद पंचायत परसवाड़ा के मुख्य गेट के सामने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगभग 17 संगठन के अधिकारी कर्मचारी अपनी विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिनमें सरकार द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों ने सोई सरकार को जगाने के लिए मटकियों में अपनी मांगों को लिखकर मेन रोड में मांगे पूरी करने के लिए फोड़ी व अपनी मांगों को मानने के लिए आवाज बुलंद किया। हड़ताल से ग्रामीण परेशान, पंचायत कर्मियों की हड़ताल से ग्राम पंचायतों में ताले लगे हुए हैं। ग्राम पंचायतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। हितग्राही अपने कार्यों को लेकर परेशान होते नजर आ रहे हैं। हड़ताल लगातार ऐसे ही जारी रही तो ग्रामीण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। जहां गांव के गरीब मजदूर किसान अपनी छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर पंचायत से खाली हाथ लौटते देखा जा रहा है। जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड, समग्र आईडी, पीएम आवास जैसी समस्या ग्रामीणों को पड़ रही भारी। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज हमारी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। शासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। हमारी जायज मांगों पर शासन का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए संयुक्त मोर्चा के समस्त अधिकारी और कर्मचारी आज शाखा परसवाड़ा में हम शासन की जो हमारी जायज मांगे हैं उनके मांगों को पूरा नहीं करने पर शासन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने मटका फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि हमारा ध्यान शासन हमारी मांगों पर ध्यान आकर्षित करे।